पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं में शुमार मुख्तार अंसारी और उनके परिवारों की करोड़ों की संपत्तियों पर सरकारी बुलडोजर चलाए जाने के बाद अब योगी सरकार का बुलडोजर पूर्वांचल के ही दूसरे बाहुबली नेता की तरफ घूम गया है। कभी सियासी गलियारों में इसकी तूती बोलती थी, अब करोड़ों की संपत्तियों को धूल में मिला दिया गया है। नाम है अतीक अहमद। बसपा विधायक राजू पाल की हत्या समेत तमाम गंभीर मुकदमों में आरोपी रहे बाहुबली नेताओं में शुमार अतीक अहमद की अब बोलती बंद है। चंद दिनों में 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जमींदोज हो चुकी है। बाहुबलियों का आपराधिक साम्राज्य उखाड़ने से पहले सरकार आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। तस्वीरें बता रही है कि सरकार का बुलडोजर इन बाहुबलियों के आर्थिक साम्राज्य को किस तरह रौंद रहा है। जाहिर है दशकों तक अपराध और बाहुबल के सहारे आर्थिक और सियासी तौर पर जितना मजबूत साम्राज्य इन बाहुबलियों ने खड़ा किया है उसे एक झटके में तोड़ना आसान नहीं है। लिहाजा आर्थिक तौर पर कमर तोड़कर इन बाहुबलियों का सियासी साम्राज्य भी ध्वस्त करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है।